जय हिंद दोस्तों। और आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही अलग। ये मेरे टॉपिक का वीडियो नहीं है, फिर भी मैं ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग भी अपना एप्लीकेशन से लोन लिए हैं, भले ही वो चाइनीज़ एप्लीकेशन हो या फिर वो भी किसी भी NBFC से लोन लिए हैं, और अगर वो रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, काफ़ी मेंटली वो ज़्यादा हरेसमेंट हो चुके हैं, रात में ठीक से नींद नहीं आ पा रही है, या फिर दिन भर सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं कि वो लोन के बारे में अब क्या होगा, रिकवरी एजेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैं इन सब से हट के आपको एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि अगर आप लोग अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर यहाँ पे आपकी लाइफ का कोई भी दोस्तों मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी हेल्थ। अब आप लोगों को भले ही ये वीडियो पसंद आए या ना आए, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो आखिर में सच में स्ट्रेस से ओवरकम करना चाहते हैं, स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं। ये वीडियो आप लोग अगर देखते हैं तो छोटा ही वीडियो है और आप लोग हमेशा के लिए स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे और वो स्टेप फॉलो करने के बाद आपको फिर ज़िंदगी में दोस्तों कभी भी कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कितनी भी कुछ क्यों नहीं हो जाए, लेकिन आपके ऊपर कभी भी स्ट्रेस हावी नहीं हो पाएगा। आखिर वो कौन से स्टेप्स हैं जो लोग लेंगे तो उसके बाद आपको मालूम होगा। सभी लोग कहते हैं लेकिन वो चीज़ करता कोई नहीं है, आखिर वो ऐसी कौन सी चीज़ है। तो सबसे पहले जो दोस्तों है वो है ध्यान। ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि ध्यान करेंगे लग ज़्यादा देर नहीं करना रहता, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट ध्यान करने से मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। और जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप फिजिकली भी अच्छे रह पाएंगे, आपको ये मालूम होना चाहिए। भले ही आप बाहर से दिखने में कितने भी फिट हैं लेकिन अंदर में अगर आप अनफिट हैं, अनकंफर्टेबल हैं, तो फिर वैसी फिटनेस का कोई भी फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो सबसे मेन चीज़ आती है वो यहाँ पर आती है दोस्तों कसरत। लोग इन दोनों चीज़ नहीं करते हैं और दिन भर स्ट्रेस में रहते हैं, रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं। कसरत दोस्तों बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिना कसरत किए आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, अंदर से भी और बाहर से भी, और साथ में आपका दोस्तों माइंड भी थोड़ा बहुत वीक होता है। अगर आपको नहीं यकीन है तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कहूँगा कि 7 डेज़ के लिए आप फॉलो करके देखें। ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट इस चीज़ में और सिर्फ 15 मिनट दोस्तों इस चीज़ में। अगर आप डेली के आधा घंटा ऐसा करेंगे तो आप फिजिकली भी फिट रह पाएंगे और साथ में मेंटली ही फिट रह पाएंगे। मैं हमेशा नहीं कहता लेकिन मैं आज इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग अपनी ताकत को बढ़ाइए, मानसिक ताकत को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और ज़िंदगी भर फेस करेंगे, कोई भी दोस्तों ऐसा नहीं है जो अपने पूरी ज़िंदगी में बिना प्रॉब्लम्स के जिया हो। सबके पास बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, भीमराव अंबेडकर जी को देख लीजिए, APJ अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, और भी बहुत बड़ी बड़ी हस्ती है जिनका नाम आपको पता होगा, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मैं यहाँ पर आप लोगों को कोई मोटिवेशनल या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन रहा हूँ, बस और बस आपको बता रहा हूँ कि कौन से ऐसे 2 उपाय हैं जिनसे कि आप अपने आप को स्ट्रेस से हमेशा के लिए मुक्ति कर सकते हैं, हमेशा मुक्त पा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 7 डेज़ आपको करना होगा, करना कुछ नहीं कि सुबह आप लोग कोशिश कीजिए। ज़्यादातर लोग आजकल के 8 बजे के बाद ही जागते हैं, मैं जानता हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरे घर में भी ज़्यादातर लोग 8 बजे के बाद ही जागते हैं। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप लेट, अगर आपको कितना भी काम है तो आप 12 बजे तक सो जाए और फिर 6 से 7 बजे तक जाग जाए। ये गर्मी के समय में जागने का एकदम सही समय है, आपको 6 से 7 बजे मैक्सिमम जाग ही जाना है। और उसके बाद सबसे पहला जो काम करना है वो अगर आप करते हैं, आप 10 से 15 मिनट ध्यान कीजिए और फिर उसके बाद आप कसरत कीजिए। अगर आपको ध्यान नहीं करना है, अगर आप सोच रहे हैं कि ध्यान कैसे करते हैं तो उसके लिए YouTube पे काफ़ी वीडियोस भी मिलेगी, लेकिन अगर आप चाहे तो इसकी जगह प्रेयर भी कर सकते हैं। भले ही आपका कोई भी दोस्तों रिलीजन क्यों नहीं हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी रिलीजन क्यों ना हो, सबके पास कोई ना कोई गॉड होगा ही, और आप उस गॉड से प्रेयर कर सकते हैं 10 से 15 मिनट ही कीजिए। आपकी मेंटल स्टेटस आपको खुद नहीं पता चलेगी, इतनी ज़्यादा और इतनी अच्छी हो जाएगी कि फिर आपको ज़िंदगी भर कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कसरत। तो कसरत में आप लोग सोचते हैं कि जिम जाना, कसरत मतलब जिम जाना नहीं होता है, कसरत मतलब होता है कि अपने बॉडी को थोड़ा सा फिट करना। अगर आप लोग साइकिलिंग नहीं करते हैं तो कुछ देर साइकिलिंग कर लीजिए। अगर साइकिलिंग भी आपको नहीं करना है तो यहाँ पे 2-3 ऐसे एक्सरसाइज है जो आप घर पर ही कर सकते हैं। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो होती है पुलअप।
काफ़ी आसानी से लोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट होता है दोस्तों पुशअप। ये ज़्यादातर आजकल आप लोग की कि कितनी भी एज क्यों ना हो, आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, कितनी भी उम्र क्यों नहीं हो, लेकिन एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यहाँ पर आपको मालूम होगा हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक्सरसाइज के दम पे, योग के दम पे अभी तक इतने ज़्यादा फिट हैं कि 20 साल का बच्चा भी उनसे ज़्यादा फिट नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ आपको स्वामी रामदेव के बारे में, जो आपको मालूम होंगे कि योग के सबसे बड़े ही आइकन हैं। अब अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 7 डेज़ के अंदर में आप स्ट्रेस से मुक्ति पा लेंगे। भले आपको वीडियो नहीं आया होगा पसंद, तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पे अगर सब्सक्राइब किया है तो अगर आप चाहें तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन 7 डेज इसको पहले आप लोग फॉलो करके देखिए और फिर मुझे कमेंट्स में आके बताइए कि आप कैसे रिजल्ट मिले हैं। तो चलिए चलता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द।